तो फाइनली लोग इस ट्रेन में दिन और इसी में पापा हम लोग तो फाइनली मैं चल रहा हूँ बोकारो। तो अभी मैं पटना जंक्शन पे हूँ और पीछे वह महावीर मंदिर दिख रहा है आप लोगों को। अभी टाइम मॉर्निंग का 6 बज रहे हैं और मैं पटना जंक्शन पे ट्रेन खड़ी है और अभी यहाँ से हम चलेंगे। तो आप लोग बने रहें, देखते कि हमें ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी मॉन में है। तो D2 के चक्कर में मैंने 10 डब्बे चढ़ लिए हैं और अभी देखेंगे D5 ही पहुँचे हैं। तो D2 जाते जाते हमको लगता है कि हम गया पहुँच ही जाएंगे, तो गया पहुँचने से पहले D2 को खोज लेते हैं। फिर गया पहुंचने से पहले अभी हम जहानाबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारे प्रिय मित्र अंकुर भाई जी का घर जहानाबाद स्टेशन। जय यार, टीटी ने तो एकदम रुला सा दिया, तो साला पीछे पड़ गया कि क्या है दिस डेट। हमने बोला कि सर मेरे पास टिकट है, मैंने गलती से इधर से उधर कर दिया, बट गया से मेरा तो कन्फर्म टिकट है। तो अभी पूछा और बोला कि कुछ व्यूज विंडो से आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी यह विंडो से जो दिख रहा है और झारखंड टू पटना के यह स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है जो कि काफ़ी खाली खाली सा रहता है। अभी मौसम जो है ठंडी का है ना, इसी कारण एसी में लोग कम सफ़र कर रहे हैं, स्लीपर और जनरल का भी ज़्यादा मार्केट है। ट्रेन में कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वहाँ सब लोग सो रहे थे, आजू बाजू वाले सब, तो इसीलिए मैंने बस ऐसे ही अपना एक झारखंड की पहाड़ियों में वादियों में मज़ा है। ये वही झारखंड का खूबसूरत नज़ारा है जो बिहार से अलग हो गया। आज बिहार में जंगल सा बचा ही नहीं है और झारखंड में देखिए इतनी खूबसूरत वादियाँ पहाड़ियाँ जंगल, काफ़ी सुहाना लगता है क्योंकि खोया हुआ चीज़ मिलता है तो लोग को मज़ा आता है और देखने में भी। और हम फाइनली एंटर कर रहे हैं गुफा में, जो कि बिहार से पटना से चल के और झारखंड बोकारो आने के तहत में यह गुफा मिलते हैं और काफ़ी भयानक सा बड़ी लंबी गुफा है क्योंकि ये बहुत दूर तक चलती है। यह बनकर सन 1906 में ही तैयार हो गया था और काफ़ी बड़ा है, लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में होगा। तो इस गुफा को पार करते करते काफ़ी आपको समथिंग 50 से 1 मिनट का समय लगेगा और देखिए बाहर से आउटलुक लग रहा है कि क्या घर से कोई निकल रहा है, इतना खूबसूरत व्यूज़ आपको। और देखिए यह TT इस बंदे को परेशान कर रखा है, और TT तो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, कहीं थप्पड़ मारते हैं, कभी किसी को परेशान करना, कुछ करना, इन लोगों का काम सा हो गया है। तो अभी ट्रेन में चलने वाले जो भी हमारे यात्री हैं वो TT से बचे, और अगर आपके पास लगता है कि नहीं मेरे पास सब चीज़ है तो TT से आप लोग डट कर सामना करें, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हरामीपना कर रहे हैं आजकल और इतना बोलते हैं आपको तुरंत डरा धमका सा देंगे कि ऐसे है ये है दिस डेट। तो मैं अब बोकारो पहुंचने वाला हूं। हम पहुंचे हैं बोकारो स्टेशन। तो हम पहुंचे हैं बोकारो स्टील सिटी। देखिए क्या खूबसूरत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन स्टेशन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए चलते हैं पापा के पास। ये है बोकारो स्टेशन का आउटलुक, जो कि आउटसाइड से काफ़ी यह शहर छोटा है बट काफ़ी खूबसूरत है। तो फाइनली मैंने ऑटो पकड़ के और चल दिए हैं ऑटो से यहाँ पर, इसको टेकर बोला जाता है। और मैं अभी यह खूबसूरत व्यूज दिखा रहा हूँ गांधी गोलम्बर की, जो कि सेक्टर 4 में पड़ता है जहाँ हमारे पापा रहते हैं। तो अभी सेक्टर 4 से इधर देखिए बिजली, हम बोकारो गांधी गोलम्बर उतर गए। ऐसा मुंडा जी की तस्वीर हम दिखाते हैं, थोड़ा चलते हैं। तो मैं बोकारो में गांधी गोलम्बर उतर गया और काफ़ी मज़ा आ रहा है, अकेले अकेले लग रहा है कि सुनसान सा मैं किसी को कुछ कर दिया हूँ। तो चलिए पापा के पास चलते हैं दुकान पे, पापा इंतज़ार कर रहे हैं।
बाप खुददारी। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पापा के यहाँ और इसी कैंपस में हमको रहना है। जो कैंपस दिख रहा है दरवाज़ा है और इधर गार्डन है, बहुत सारी फूल सब्जियाँ लगी हुई है और देख रहे हैं कि वह सरकार बिल्डिंग है और इसी में पापा हम लोग अभी रह रहे हैं। चलिए मिलवाते हैं। इस शहर की खूबसूरती घरों में सजाए गए हैं तो यह वृक्ष है। तो फाइनली यहाँ का खूबसूरती है कि घर के आगे भी गार्डन, घर के पीछे भी गार्डन जिसमें आप सब्जियाँ खेती कर सकते हैं और काफ़ी एक सुंदर सा शहर बना है बोकारो। तो फाइनली यह गार्डन पीछे की है और इसे गलियारे से देखिएगा तो आगे का गली